मंदिर से क्या मिलना है, यूनिवर्सिटी बनानी थी, शिक्षा की और स्वास्थ्य की जरूरत है आज देश को, मंदिर की जरूरत नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी लाए ना वो, एजुकेशन पॉलिसी काम कहाँ कर रही है, एजुकेशन खत्म कर दिया, हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कहाँ है एजुकेशन पॉलिसी? एजुकेशन पॉलिसी को एक आम आदमी के जो गरीब का बच्चा पढ़ सके वो कहाँ किसको मिल रही है शिक्षा? शिक्षा के तो सारा जगह निजीकरण होता जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो उद्योगपति क्या देश में विकास नहीं करते, जो आप उनको बहुत कोसते हो अडानी अंबानी को? उद्योगपति अगर विकास करते तो देश का आज देश गरीब कहाँ रहता? जो कचरे से खाना उठा करके खा रहे हैं, तो अगर वो उद्योगपति विकास के अंदर सहयोगी, विकास के अंदर सहयोगी गरीब मजदूर किसान जो सबका पेट भरता है, उद्योगपति कभी किसी का पेट नहीं भरता, वो सोचता है। 5 किलो अनाज दे रही है प्रति महीना, 5 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, 5 किलो अनाज सरकार चलाना चाहते हैं ना। जो टैक्स देता है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। आप टैक्स किस लिए दोगे? इसलिए दोगे कि देश भी चले और उसकी सुविधा आपको भी मिले टैक्स की। लेकिन ये इन्होंने एक अपाहिज कर दिया है कुछ लोगों को, हमारे देश के अनपढ़ लोगों को, जिनको कुछ लालच दे करके रेवड़िया बांट करके सत्ता में रहने के लिए 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, किसी को लाभ देने के लिए नहीं बांट रहे। मोदी जी के अच्छे काम बताइए आप, 5 अच्छे तो करे को नहीं है, झूठ बोली नरी निवेलिया में 15-15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे, दे दिए। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देगा, दे दिए। आम आदमी को निवेला हवाई जहाज में घुमाऊंगा, चप्पल वाले को घुमा दिया, चप्पल वाले का बेचप्पल कर दिया। देश को तानाशाही से नहीं चलाया जा सकता, देश को लोकतंत्र से चलाने का काम करे। तानाशाही वो तो वोट मिल रहा है उनको बड़ा मोटा देश में, 13 महीना दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, वो आंदोलन जीवी है सर। हाँ आंदोलन जीवी तो वही है ना, जब पहले वो 13.5 महीने बाद मानने फिर को कहीं आंदोलन जीवी है, पहले कह रहे थे आंदोलन जीवी है, उसके बाद तो कहीं मैं इनको समझा नहीं पाया मेरी गलती है। अगर आंदोलन जीवी होते तो वो गलती नहीं, माफी नहीं मांगते। मैं कमी रह गई थी। हाँ तपस्या नहीं, तपस्या तो उल्टी तपस्या करनी पड़ी ना, अब 2024 में तपस्या। मोदी जी ने देश की खातिर परिवार छोड़ रखा आपने? परिवार नहीं छोड़ रखा, उसकी बनी है कौन? लुगाई थे, लुगाई तो बनी कौन है, लुगाई गल तालमेल नहीं बना उसका। पूरा देश ही मेरा परिवार है। देश परिवार होता तो देश गालियां नहीं देता। उसके उसके खिलाफ उसके पिछले दशहरे के ऊपर बताता हूँ, पिछले दशहरे पर रावण की जगह उसके पुतले जलाए गए, तो अगर उसका परिवार होता तो पुतले नहीं जलाते। किसी भी प्रधानमंत्री के कभी हमने पुतले जलाते नहीं देखे, जितना प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है आज। सीधा प्रधानमंत्री का विरोध भी नहीं सुना और सीधी प्रधानमंत्री के नाम से वोट भी मांगी गई। सर देश मजबूत हाथों में है ऐसा कहा जाता है? देश मजबूत हाथों में है, हाँ अडानी अंबानी के मजबूर हाथों में है। उनकी सोचता है, उनका कुत्ता बीमार हो जाता है तो घर पूछने जाता है। मंदिर बन रहा है, मंदिर से क्या करेंगे? शिक्षा की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत। स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया, लूट हो रही है, गरीब आदमी आज स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले सकता, मर रहे हैं लोग। धर्म चाहिए, धर्म आपको धर्म क्या करेगा? धर्म तो पहले ही सर्वधर्म है, देश ये एक धर्म का देश नहीं है किसी का, न हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न सिख का है, न ईसाई, सर्वधर्म का देश है। संविधान कारपोरेट के हाथों में जा रहा है, देश कारपोरेट के हाथों में चला जा रहा है। आज गरीब की कहीं सुनवाई नहीं, किसान की कहीं सुनवाई नहीं, समाज का यानी कि सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है। इसको देश का संविधान के अनुसार चलाने के बजाय कुछ कारपोरेट घरानों के हाथों के अंदर चलाया जा रहा है। आज आम आदमी अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहा है, किसी की सुनवाई नहीं, बेरोजगार को रोजगार नहीं है, किसान को उसकी फसल का दाम नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं है, और जो जिनको पेंशन मिलनी थी उनके ऊपर शर्तें लगाई जा रही हैं। सरकार अब चुनाव के समय रेवड़ी बांटने शुरू कर दिए सरकार ने, कि उन रेवड़ियों के आधार पे हम दोबारा से सत्ता में आ जाएं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि हम खुद संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं, वो तो खुद संविधान को मानते हैं। संविधान को मानते हैं, अगर संविधान को मानते तो आज ये पब्लिक यहाँ इकट्ठी नहीं होती। संविधान को कहाँ मान रहे? कोरोना के अंदर लोगों को इंजेक्शन लगा के आज मारा जा रहा, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग हैं तो सारे नहीं, यहाँ कांग्रेस के नाम पे कोई नहीं है, किसान संगठन है या हम पे जो संविधान बचाने के लिए SC समाज के ज्यादातर लोग हैं। देश मजबूत हाथों में, मजबूत हाथों में कहाँ है? देश 83वें पायदान पे चले गए भुखमरी में। मजबूत तो तब होता ना जब हमारा एक नंबर पे देश होता, अमेरिका के बराबर। जिस समय GDP मनमोहन सिंह को मानते हैं हम, कि मनमोहन सिंह के समय अमेरिका की GDP गिर गई थी, लेकिन देश की GDP जब अच्छी चल रही थी तो उनको मानते हैं अर्थशास्त्र में गड्ढे कहते सर, ऐसा कहा जाता है 70 साल तक गड्ढे। देखो एक समय हम किसी सरकार से और किसी पार्टी से विशेष से नहीं रखते, समय एक समय ऐसा था जहाँ देश के अंदर बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था, दूसरे उनके मुल्कों के हाथों में हमारा देश खेल रहा था। आजादी के बाद धीरे धीरे विकास हुआ है,
तो आप की उपलब्धि बता देना, सरकार मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धि बताए कि हमने ये कर दिया क्या रेल चलाई है मोदी ने गाजियाबाद में, रैपिड रेल हमें तो दिख नहीं रही, गाजियाबाद में चले सर, आसमान में चल रही होगी, शुरू कर दिए, नहीं चली है, शुरू कर दिया तो देखेंगे भी काम कर रहे हैं वो, उसमें बैठेगा कौन, आप लोग बैठना, कैसे बैठोगे, उसका किराया क्या है, तो फ्लाइट में जाते होंगे ना आप, फ्लाइट में कहाँ, हवाई चप्पल में कुछ की भाई दो कहाँ है फ्लाइट का, तो काम अच्छे बताइए मोदी सरकार के आप, वो एक आधा काम हम नहीं बता दे, मारा तो मोदी शाम ही नहीं आया, एक बार आया था नहीं, मतलब कृषि कानून वापसी नहीं लियो, फिर सुबह बाकी नैनाबाद से आड़ के नहीं बोला ले लिया, मैंने गलती होगी, रणौत कहते 2014 में आजादी मिली इसी तरह हमें, हाँ जरूर बीजेपी ने दिलाई थी आजादी, इनका एक भी आजादी के अंदर इनका एक भी नेता बता दो वो या नेता आजादी की लड़ाई में जिसने शहादत दी हो, जिसने जेल काटी हो, इन्होंने कुछ नहीं किया, सावरकर को याद करते हैं वो, तो वो सावरकर के भगत है ना, उन्होंने भगत सिंह को फांसी दिलवाई, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी, ऐसा नहीं है, देश मजबूत नहीं मजबूर हाथों में है, और आज भी और भी मजबूर हो जाएगा, मंदिर बना रहे हैं करोड़ों वोट भी लेंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर से किसको जरूरत, मंदिर से लाभ बता दो, मजबूत होगा आपका धर्म, पहले नातन मजबूत होगा, बीजेपी आने के बाद धर्म कमजोर क्यों हो गया, पहले कभी किसी ने कहा कि हिंदू आज संकट में है, किसी ने कहा नहीं, कहा कभी नहीं कहा, ये बीजेपी के आने के बाद हिंदू जी क्या लाख दिए जलवाएंगे इस बार दीपावली पर, दीपक में हर बार जलाते हैं लोग, वो कोई विशेष नहीं जलवाएंगे, हर आदमी अपने घर के अंदर देखो लक्ष्मी के लिए एक आस्था के ऊपर है दीवे जलाता है, हर बार जलाएगा, वो मोदी का योगी का कोई रोल नहीं, रामराज चल रहा है देश में, हाँ रामराज चल रहा है, उनकी सरकार में संसद में नई संसद बनाई है इसलिए रामराज चल रहा है, हाँ मणिपुर देखिए आप, मणिपुर के अंदर क्या हालात हुए हैं, बहुत बुरे हालात है, मुस्लिम का तो मुद्दा होता है काट क्या आपके पास में, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहाँ झगड़ा है, अब यहाँ मेवात के अंदर तो झगड़ा हुआ है, तो हिंदुओं ने उनको ये कहा भाई अकेले को नहीं कुचलने देंगे सरकार के हाथों, तानाशाही नहीं चल रहे, संसद में कटुआ मुल्ला बोल दिया देखो दानिश को, ये इनकी भाषा ही है, तभी सांसद तो हंस रहे, हिंदू सांसद तो हंस रहे थे ना उनकी बातों पर, तो तलवार चलाए, ये सांसद भी मजबूर है, जब 500 कितने जहाँ 545 सांसद हैं और 545 के अंदर जहाँ कोई भी कानून पास किया जाता है किसी से पूछते हैं, एक मोदी बनाता है कानून वो वापसी ले लेता है, ये किस लिए तनख्वाह दे रहे, हम तो ये कह दिया कि ला मोदी ने बना लो सीधा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये कुछ भी कर रहा है, ये सांसद है तो है ही नहीं, इनको क्यों तनख्वाह दे रहे हैं कि ला मोदी को बना लो सीधा, नई संसद बना दी सर उन्होंने, नए कानून आ रहे हैं, हाँ कानून नया भारत है, ये नए भारत के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जूते भी मारेंगे नए जूते मारेंगे, इंडिया सब गुलामी का था बदल दिया भारत हो गया, हाँ भारत हो गया, भारत ही था पहले से भी, कभी से कह रहे हैं भारत है, हम भारतवासी हैं, गुलामी का सब था वो, भारतवासी के गाने नहीं सुने आपने, हम सब भारतवासी, अब नया बनाया है क्या कोई नया, हमने तो कोई देखा भी नहीं ऐसा, अब तो लोग इनका नाम से बहुत परेशान है, अब तो आपकी महिला भी जाएंगी संसद में, 33% आरक्षण दे दिया मोदी सरकार ने, वो हो महिलाओं को जाए बोलने तो नहीं दे रहे, बोल तो एक आदमी रहा है, कानून एक आदमी लागू करा है, क्या करेंगे महिला, जब हमारे भाई जा रहे हैं 545 जा रहे हैं उनको नहीं बोलने दिया, महिलाओं को तो वो बेरा है ना, कितने एक जो यूपी के ब्रजभूषण जी ने महिलाओं के साथ क्या किया, क्या महिला है आज महिला पहलवानों के साथ, हरियाणा के अंदर की है वो महिला कोच के साथ, तो महिलाओं को क्यों बुला रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ का वो बचा रहे हैं बेटी को, वो उन्होंने उन्होंने ये कहा था कि हमारे से बेटियों को बचाओ, खतरा बेटियों से हमारे बीजेपी से है, आम जनता से नहीं है, आम जनता से किसी को खतरा नहीं है, बीजेपी के नेताओं से खतरा है।